तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात में मैंने व्लॉग शूट किया था आज, क्योंकि ये दिन में मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने रात में ही शूट किया। और रात में ना थोड़ा ठीक भी रहता है, दिन में ना बहुत शोर होता है ये वो, तो इसलिए मैं रात में ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग का दिन कैसा जा रहे हैं? और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए। मैं आपसे हर व्लॉग में बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में आप बता सकते हो आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए, क्या देखना चाहते हो आप मेरे चैनल पर। तो मैं इंशाल्लाह से वही सब बनाऊँगी जो लोग आप लोग बोलोगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग अब तक भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उन सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यही सब है, काली मिर्ची भी है इसके अंदर, तो ये सब हमने कट कर लिया है और अब इसको हम बना रहे हैं। क्योंकि अब ज़्यादातर लंच में क्या होता है, लंच में तो हम कुछ खाते नहीं हैं, तो इसलिए हम लंच में बनाते नहीं हैं, हम फ्रेश बनाते हैं रात में ही। डिनर के टाइम में हम जो बनाना होता है वो बना लेते हैं, दिन में क्योंकि हम लोग इतना खाते नहीं हैं तो हम सिर्फ रात में ही बनाते हैं। तो ये प्रिपरेशन हो रही है अभी डिनर की। और मम्मी इसमें वो रेड चिली साबुत वाली लाल मिर्ची जो वो रखना भूल गई थी, तो वो भी रख दिए हैं। और अभी हम लोग चाय वगैरह पी के उठे हैं शाम की। हरी मिर्च भी डलेंगे इसके अंदर, अभी वो कट रह गई, अभी वो भी डलनी है इसके अंदर, वो भी खड़ी खड़ी ही डलेंगे। जैसे ही रेड चिली डलेंगे ऐसे ही वो भी डलेंगे। तो इसमें सब कुछ खड़ा मसाला ही डलता है इसके अंदर, मतलब बारीक कुछ नहीं डलता, क्योंकि ये स्टू जो होता है इसमें टेस्ट ही उसी चीज़ का होता है। तो अभी ये सब ये भुन रहा है गोश्त इसके अंदर, लहसुन वगैरह डाल के, नमक डाल के इसकी भुनाई हो रही है। अभी सब ये भुनाई होने के बाद फिर वो सारे मसाला डलेगा। अब इसमें हम ये सब ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर ना सब ऐड कर लिया है, तो अब इसकी बनाई होगी अच्छे से, ये बनेगा। हरी मिर्च बाद में देखती हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ नहीं तो वो बहुत भूल जाती है, इसलिए सब मसाला है। तैयार हो गया, अभी बनाई करके बस ऐसे ही रहेंगे ना सब कुछ मसाले। हाँ तो मज़ा ही आ जाना है तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये सब चीज़ें तो मुझे तंदूर की रोटी से ही पसंद है, तो जब भी ये सब कुछ बनता है ना तो हम बाहर से ही रोटी मंगवाना पड़ता है। रेडी है खाने, तैयार, सही है, बढ़िया है। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका था, तो इसके बाद अब इसकी इतनी ही रखना होता है। बहुत से लोग ना बहुत कड़ा कड़ा मसाला भी रखते हैं, जैसे ज़्यादा वो नहीं रखते, मतलब टमाटर वगैरह ना प्याज सब कुछ साबुत दिख रहा होता है, बट हम लोग वैसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना हुआ, मतलब थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाती है ना, तो हमें वैसा अच्छा लगता है। तो हमने वैसे इसकी कंसिस्टेंसी रखी थी। तो बस अब ये रेडी हो चुका था और अब हम 10 घंटे पर बैठने जा रहे हैं खाने के लिए। तो आप लोग गाइस ये इतना टेस्टी बना हुआ था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। और उसके साथ तंदूर की गरम गरम रोटी थी, नींबू दाल है इसके ऊपर गरम गरम, तो बहुत ज़्यादा ये मज़े का लग रहा था। तो हम लोग ने सबने साथ में ही बैठ के खाते हैं, मम्मी वगैरह हम सब भाई थोड़ी देर में आते हैं तो वो देर में खाते हैं। हम लोगों को ये होता है कि फिर यार खाना ठंडा हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मम्मी मैं और मेरी सिस्टर हम तीनों पहले खाना खा लेते हैं। तो हम लोग खाना खा रहे थे तो बहुत यम्मी बना था। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं लोग आप लोगों के लिए ज़रूर रेसिपी शूट करके वीडियो डालूंगी इसकी। आप लोग मुझे एक बार बताना और मुझे आइडिया भी दे दीजिए आपको कैसी कैसी वीडियोज़ देखनी है, कौन सी वीडियोज़ चाहिए, किस टाइप की चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, आप लाइक नहीं करते हो, व्लॉग देखते तो मगर लाइक नहीं करते। और आप मेरे व्लॉग्स को फुल देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके मेरे एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।